हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लेकर आए शाही पनीर। आज हम शाही पनीर बनाते हैं जो होटल से भी अच्छा, होटल से स्वादिष्ट, और जो हलवाई से भी स्वादिष्ट, और घर पर झटपट कैसे तैयार करें। आज यही टॉपिक लेकर आई है। और जो घर पर बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए 250 ग्राम पनीर जो हमने ये पीस बनाकर रखे हैं। आप चाहे तो बड़े पीस रखिए, आप चाहे तो छोटे पीस रख सकते हैं। ये देखिए हमने मीडियम आकार के पीस बनाकर रखे हैं। चार बड़ी प्याज जो थोड़ी मोटे टुकड़े में काट कर रखी हुई है। ये 5-7 कलियां लहसुन की जो हमने छील कर रखी है, और ये मोटा मोटा अदरक जो एक टुकड़ा अदरक का हमने मोटा काट के रखा हुआ है, और ये काजू, ये बादाम, 7-8 काजू, 7-8 बादाम, 2 मोटी इलायची, 3 हरी इलायची, ये दालचीनी, और ये 4 लौंग, और ये 4 बड़े टमाटर, 2 टमाटर हमने देसी लिए और 2 हाइब्रिड टमाटर लिए, और ये बटर, मिर्ची पाउडर जो देगी मिर्च लेनी है, और ये जीरा, और ये हल्दी पाउडर, और ये नमक, और ये 1 चम्मच चीनी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैन लेते हैं और गैस पर रखते हैं, गैस ऑन करते हैं। और देखिए पैन गर्म होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच घी डालते हैं, देसी घी डालना। अब इसमें हम ये प्याज डालते हैं जो मोटी मोटी काट के रखी हुई है, ज़्यादा बारीक नहीं। अब इसके बाद ये टमाटर डालते हैं, और ये अदरक और लहसुन, और ये काजू बादाम डाल देते हैं, और ये मसाले जो खड़े मसाले डालने डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, देखिए 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा पकाते हैं, ढक देते हैं इसको। और देखिए 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं, ये भी इसमें डालना। अब इसको पकाते हैं, कम से कम भी 5 मिनट पकाते हैं इसको। और देखिए बीच में एक बार देख लेते हैं, हाँ ये देखिए अच्छे से पकने देते हैं इसको। और देखिए इसमें खड़े मसाले डालने, अच्छी खुशबू आ रही है, खड़े मसाले की खुशबू अच्छी होती है। इसको थोड़ा और पकाते हुए रख देते हैं। और ये देखिए उबालने के बाद अब हम इसको गैस से उतार देते हैं, उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए अब इसमें से हम ये मसाले निकाल लेते हैं, खड़े मसाले, ये देखिए इनको अलग निकाल लेते हैं, ऐसे सारे अलग निकालने, इनको सिर्फ इसमें उबालना है, इसमें रखना नहीं है। ये देखिए सारे ऐसे। और आप चाहे तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज मत डालिए, बाकी मसाले डालिए, टमाटर और ये खड़े मसाले सारे डालिए, लहसुन प्याज आप मत डालिए अगर आप नहीं डालना चाहते। और देखना एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट शाही पनीर घर पर कैसे तैयार होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट। जब भी घर पर मेहमान आए आप घर पर बनाइए और अपने मेहमानों को शाही पनीर परोसिए। अब ये देखिए हम मिक्सी का जार लेते हैं, मिक्सी का जार लेते हैं, और इसमें ये डालते हैं और एक ग्रेवी तैयार करते हैं। ये देखिए मिक्सी में सारा डाल लेते हैं। अब इसको ग्रेवी तैयार करते हैं, इसको ग्राइंडर कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे मसाले एकदम ग्राइंडर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम गैस ऑन करते हैं और गैस पर कढ़ाई रखते हैं, और कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालते हैं, उसको गर्म होने देते हैं। अब ये देखिए इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, और 1/2 चम्मच
मिर्ची पाउडर, देखिए मिर्च डालनी है, ये देखिए अब इसमें पनीर डालते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, ऐसे फ्राई कर लेना देखिए, और शाही पनीर कितनी जल्दी बन जाता है और कितना स्वादिष्ट होता है, और बिल्कुल आसान तरीके से घर पर आप कभी भी बनाइए, अच्छी तरह से ऐसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद जैसे अच्छी तरह फ्राई हो जाता है, देखिए पनीर अच्छे से भुन चुका, अब इसके बाद हम इसमें ग्रेवी डालते हैं, सारी डाल देनी है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करना, ऐसे चलाते रहिए, देखना शाही पनीर कितनी जल्दी बनता है, और होटल से भी स्वादिष्ट, हलवाई से भी अच्छा घर पर। तो देखिए ग्रेवी सारी डालनी है जैसे जार में लगी रहती है, ये थोड़ा पानी है जो हमारा मसाले वाला पानी है, इसको अच्छी तरह से ऐसे हिला देते हैं और ये इसी में डाल देते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं स्वाद के हिसाब से, ये देखिए स्वाद के हिसाब से नमक डालिए, ये देखिए खोया, अब इसमें हम 2 चम्मच खोया डालते हैं, इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देना है, अच्छी तरह से ऐसे चलाते रहना, और जैसे ही इसमें अच्छी तरह से पकने लगता है, ये देखिए पकना शुरू हो गया, अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है, ये देखिए इसको थोड़ा ऐसे पकाते, अरे देखिए इसको अच्छे से ऐसे पकाते रहते हैं, चलाना बीच में इसको, और पहले गैस तेज रखनी है, उसके बाद गैस धीमी कर देते हैं, ये देखिए जैसे ही ऐसे ये छींटे लगने शुरू हो जाते हैं गैस कम कर देते हैं, और थोड़ा इसको और पकाते हैं, और देखिए हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार है, होटल से भी अच्छा और हलवाई से भी अच्छा, घर पर बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाता है और बिल्कुल आसानी से। अब गैस ऑफ कर देते हैं और उसको परोसते हैं, तो देखिए अब हम इसमें थोड़ी क्रीम डाल देते हैं ऊपर से ऐसे, और देखना हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।